अगर आपके चहेते एक्टर हैं बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान और आप राधे और अंतिम के डाउन कलेक्शन से हैं थोड़ा सा परेशान, तो डोंट वरी, बिकॉज सलमान खान ने अपने फैंस को दिए डबल ट्रीट, यानी उनके फैंस में कोई नाराजगी न रह जाए, इसके लिए उन्होंने एक नहीं दो नहीं पांच पांच फिल्में अनाउंस की हैं, वो भी इतनी मास मसाला कि 2022 के कैलेंडर में सलमान खान का ही नाम हर जगह दिखाई देगा। तो दो फिल्मों के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं, बिकॉज ट्रिपल आर के इवेंट में सलमान खान ने बजरंगी भाईजान के सीक्वल पवन पुत्र भाईजान और 90 के सीक्वल को लेकर कंफर्म कर दिया है, लेकिन दो फिल्में ऐसी हैं जिनके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे। पहली मूवी है मास्टर, दूसरी मूवी खिलाड़ी। खिलाड़ी की बात बाद में करेंगे क्योंकि मास्टर काम पहले स्टार्ट हो रहा है और फ्लोर पे जाने वाली पहली मूवी सलमान खान की मास्टर होने वाली है। वैसे अनाउंसमेंट के मामले में सलमान खान अक्षय कुमार को बीट करते नजर आ रहे हैं, बिकॉज अगले साल उनकी एक नई 6-7 फिल्में आने वाली हैं। एक तरफ टाइगर 3 कंप्लीट होने के कगार पर है, पठान में उनका कैमियो है, वॉर 2 में उनकी ऑलरेडी रॉ यूनिवर्स की गेस्ट अपीयरेंस की बात चल रही है, इसके बाद उनकी कभी कभी दिवाली है, किक 2 है, और तो और मास्टर खिलाड़ी के बाद बहुत सारी फिल्में पाइपलाइन में आ जाएंगी। लेकिन सलमान खान ने अपनी पहली बड़ी मूवी को चुना है मास्टर, बिकॉज मास्टर बहुत स्पेशल मूवी है। जब साल 2021 की शुरुआत में कोरोना लॉकडाउन की वजह से पूरा सिनेमा हॉल ठंडे पड़े थे और बॉलीवुड समेत साउथ इंडिया को भी बहुत लॉस हो रहा था, तब मास्टर अकेली मूवी थी जिसने सिनेमाघर के दरवाजे खोले थे और पूरे सिनेमा सर्किट में इस मूवी ने पहले वीकेंड में 50 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी जो कलेक्शन अभी सूर्यवंशी ने भी नहीं किया वो कलेक्शन मास्टर ने उस लॉकडाउन में किया था 50% ऑक्यूपेंसी के दौर में। तो मास्टर बहुत बड़ी मूवी है क्योंकि इसमें तमिल के दो बड़े मेगास्टार पहली बार आमने सामने लड़ते दिखाई दिए थे, एक है विजय थलापति विजय और दूसरे हैं विजय सेतुपति। दोनों ही अपनी अपनी अलग तरह की मेथड एक्टिंग के लिए पॉपुलर माने जाते हैं और दोनों ने पहली बार स्क्रीन एक साथ स्पेस शेयर किया था और दोनों की जो बॉन्डिंग थी, केमिस्ट्री थी, उसने बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बरसात कर दी थी। तो सलमान खान चाहते हैं कि उनकी जो रीमेक है मास्टर का वो भी बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बरसात कर दे, इसके लिए उन्होंने चुना है सुपर विलन। अगर आपने मास्टर देखी है या उसके बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि विजय के वर्सेज विजय था, यानी दो हीरो थे, एक एंटी हीरो था, एक मेन हीरो था, प्रोटैगनिस्ट था। इसी तरह मास्टर सलमान खान की जोगी, उसमें सलमान खान जाहिर सी बात है थलापति विजय का रोल प्ले करेंगे प्रोटैगनिस्ट का, लेकिन उनके अपोजिट जो विलन का रोल है उसकी कास्टिंग बहुत धुआंधार और थोड़ी सी सरप्राइजिंग है, बिकॉज इस एक्टर के साथ सलमान खान ने इससे पहले कभी काम नहीं किया। चलो सस्पेंस का पर्दा हटा देते हैं और आपको बता देते हैं कि मास्टर के रीमेक में, यानी मास्टर के हिंदी रीमेक में सलमान खान को टक्कर देने के लिए जो विलेन चुना गया है उसका नाम है शाहिद कपूर। शाहिद कपूर सलमान खान को बहुत तगड़ी टक्कर देने वाले हैं और शाहिद कपूर की जितनी भी ग्रे सेट की मूवीज हैं, चाहे वो कमीने हो या हैदर हो, वहां शाहिद ने बहुत गजब का काम किया है। ऐसे में सलमान खान और शाहिद की जुगलबंदी केमिस्ट्री नया रंग दिखाएगी, इस बात को लेकर हम पक्का गारंटी से कह सकते हैं। और सलमान खान के फैंस के लिए तो एक तरह की डबल ईदी है, बिकॉज सलमान खान की टाइगर 3 जल्दी आने वाली है और मास्टर जिस लेवल की बनाई गई है तमिल में, उसी लेवल की बन गई तो कमाई के बहुत बड़े रिकॉर्ड सेट कर देगी। वैसे बीता साल यानी 2021 फिल्मों की कमाई के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रहा, सूर्यवंशी और पुष्पा को हटा दें तो मोस्टली फिल्में फ्लॉप हुई हैं। ऐसे में सलमान खान ने बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करने के बाद अगले साल को लेकर उम्मीद जगा दी है और सलमान खान की सारी फिल्में टाइम पर बन जाती हैं और रिलीज हो जाती हैं तो बॉक्स ऑफिस जो बॉलीवुड का है वो फिर से माला माल होगा। और अगर ये सारी फिल्में टाइम पर बन जाती हैं और रिलीज हो जाती हैं तो ये बात तय है कि बॉलीवुड का जो बॉक्स ऑफिस है वो पक्का माला माल होगा, नोटों की बरसात होगी। और अब आपसे हम उम्मीद करते हैं आप चैनल पहली बार आए तो अपने सब्सक्रिप्शन की बरसात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप मास्टर को लेकर कितने एक्साइटेड हैं।